अब मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम दो टाइप से होती है, एक पोस्टियोरी एक प्रायोरी। तो प्रायोरी एनालिसिस जो है उसमें हम जो रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का, उसकी कोई टाइम यूनिट नहीं होती है। उसमें हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर उसका रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसकी कोई नोटेशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती टाइम की। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि उसका रनिंग टाइम कितना होगा उस एल्गोरिदम का। यहाँ पर टाइम यूनिट सेकेंड, प्रायरी एनालिसिस में टाइम यूनिट सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड्स नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई टाइम यूनिट नहीं होती है प्रायरी एनालिसिस में। तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं या उसका रनिंग टाइम हम फाइंड आउट करते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम, ठीक है। और कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन वी कैन एनालाइज रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एन अल्गोरिदम। किसी भी अल्गोरिदम का रन टाइम परफॉर्मेंस हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर यूज टू डिस्क्राइब द एसिम्प्टोटिक, मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट रनिंग टाइम ऑफ अल्गोरिदम बाई डिफाइनिंग ए टाइम फंक्शन एफ एन वेयर एन इज़ द इनपुट साइज। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू हम बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेट रनिंग टाइम कितना होगा उस एल्गोरिदम का, और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम एक टाइम फंक्शन यानी एक इक्वेशन बनाते हैं टाइम फंक्शन की एफ एन, जिसका नाम होता है, जिसमें एन क्या होगा, साइज ऑफ इनपुट। कि टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम फॉल्स अंडर थ्री टाइप्स। कोई, ठीक है, यहाँ कोई भी एल्गोरिदम्स का जो रनिंग टाइम है वो थ्री टाइप का होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में या अल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे बोलते हैं बेस्ट केस। एवरेज केस क्या होगा? एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वर्स्ट केस क्या होता है? मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या अल्गोरिदम एग्जीक्यूशन। तो इसको मैं अगर एक एग्जांपल से बताऊं तो जैसे मैं लीनियर सर्च आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में बता चुकी थी। लीनियर सर्च में क्या होता था, कोई भी वैल्यूज़ हैं और मुझे कोई वैल्यू सर्च करनी है। सपोज मुझे सर्च करना है 10, तो 10 मुझे यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगी 10 से, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही मुझे मिल गया। तो ये हो गया बेस्ट केस। जो भी हमें नंबर सर्च करना था वो हमें फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, तो वो हमारा हो जाएगा बेस्ट केस। यानी सबसे कम टाइम जो है इस एल्गोरिदम को लगेगा जब आप उसको वही वैल्यू सर्च करने के लिए बोलोगे जो उसकी फर्स्ट पोजीशन पे है। एवरेज केस क्या होगा? जब आपको वैल्यू, चलो वर्स्ट पहले देख लेते हैं। वर्स्ट केस क्या होगा? जैसे मैंने आपसे कहा 30 को सर्च करो, तो आपको सारी वैल्यू से कंपेयर करना पड़ा तब जाके आपको 30 मिला। तो अगर एन वैल्यूज़ होती तो हमें एन कंपेरिजन्स यूज़ करने पड़ते। तो वर्स्ट केस क्या होता है? मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इस वैल्यू को सर्च करने में मुझे मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? 3। अगर एन होती तो एन लगता। एवरेज केस क्या होता है? बीच में कहीं आपको जैसे 50 को सर्च करना, तो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जो एवरेज टाइम लगेगा वो उसका एवरेज केस होता है। विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन वी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एल्गोरिदम एंड सच एन एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन टाइम, प्रोग्रामिंग स्टाइल, ETC। तो जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन से इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उनके एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिदम्स की इक्वेशंस बनाएंगे, उनको कंपेयर करेंगे, वो जो है कंपैरिजन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? मशीन टाइम, यानी कंप्यूटर को उसको रन करने में कितना टाइम लगेगा, कौन सी प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज़ की है, कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, इससे इंडिपेंडेंट होगा। यानी क्योंकि ये प्रायरी एनालिसिस है, प्रायरी एनालिसिस में जो है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्गोरिदम उसका एनालिसिस होता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अब जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं जिसको हम रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं एल्गोरिदम की, वो थ्री टाइप्स की होती है मेनली। तो कॉमनली यूज्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम, ये याद रखना है आपको, टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम आर एस फॉलोस। इसे बोलते हैं बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन भी कह सकते हो आप, थीटा नोटेशन। जो बिग ओ नोटेशन है वो एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, और ओमेगा नोटेशन जो है वो बेस्ट केस को,
और थीटा नोटेशन यूज होता है एवरेज केस को। मैंने आपको बताया था किसी भी एल्गोरिथम के थ्री केसेस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। जैसे लीनियर सर्च में हमने देखा बेस्ट केस क्या था, जो नंबर हमें पहली पोजिशन पर ही मिल जाए, तो बेस्ट केस उस केस में क्या होगा लीनियर सर्च का, ओमेगा वन। वर्स्ट केस क्या था कि जितने नंबर्स होंगे उतनी सर्चिंग होगी, तो वर्स्ट केस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिग ओ ऑफ एन। और एवरेज केस उसका क्या होता है, वो भी एन ही होता है, वो हम आगे देखेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो इस टाइप से हम नोटेशंस को यूज़ करते हैं बेस्ट बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। वर्स्ट केस जो बताता है वो बताता है अपर बाउंड, आगे हम देखेंगे। जो बिग ओ नोटेशन है वो अपर बाउंड बताता है, ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड, और थीटा नोटेशन बताता है टाइट बाउंड। ये हम देखेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, टाइट बाउंड क्या होता है आगे।